हेलो फ्रेंड्स, जगजीत बेदी हियर फ्रॉम शेड्स इंटरनेशनल, ए क्लस्टर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम नौ दुर्गे में यूज होने वाले इस तरह के बर्तन में, जिसमें हम खेतरी बीजते हैं, खेतरी का प्लांट लगाते हैं, इसको कलर कराएं, इस पर हम थोड़ा क्राफ्ट वर्क करके इसे डिफरेंट बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये कलर कराया हमने, बाहर मैरून अंदर ग्रीन। अगर आपके पास ये बर्तन नहीं है तो आप इस तरह के गमले में भी खेतरी बना सकते हैं। ये मैंने इस तरह से ग्रीन करा है और इसकी जो बॉर्डर है वो मैरून करा है और इसके किनारे किनारे पे मैंने ग्रीन करा है। तो करते हैं स्टार्ट। ये मैंने लेस ली है, इस तरह की लेस का टुकड़ा लिया है, इसे मैंने लगाकर देखा अच्छा लग रहा था तो मैंने कहा इससे लगाते हैं। हर बार चमक चमक अच्छी भी नहीं लगती ज़्यादा, तो थोड़ा सा मैंने इस तरह का कॉन्सेप्ट बनाया है। तो ये मैंने किनारा लिया, यहाँ पर इसको इस तरह से लगा दिया, धीरे धीरे इसको घुमाएंगे पूरी गोलाई में। देखिए इस तरह से गोलाई में घुमाते जाएंगे। पहले हम इसको सेट कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने इसे सेट कर लिया। ये हमने इसको यहाँ पर सेट कर दिया इस तरह से। अब हम इसके बीच में इसको सेट करेंगे। इसको इस तरह से लगा के इसके बॉर्डर में से, यहाँ से इसके नीचे से इसके झोल को पकड़ के हम इसको यहाँ पर ग्लू से बंद कर देंगे। ये देखिए इसका झोल है, जो ये नीचे की तरफ थोड़ा कम हो जाता है इस तरह, तो इसके झोल को पकड़ के हम इस तरह से इसको बंद कर देंगे इस तरह से। ये देखिए झोल बंद हो गया, इसका जो गैप आ रहा था वो बंद हो गया। यहाँ पर बीच में एक बार फिर से करेंगे यही चीज़, यहाँ पर ग्लू लगाएंगे और इसके झोल को पकड़ के हम यहाँ पर इस तरह से ग्लू से बंद कर देंगे। ये देखिए ये मैंने झोल को पकड़ के बंद कर दिया। आपको जहाँ भी झोल थोड़ा सा लगे वहाँ पर आप इसको ग्लू लगाकर इसके झोल को इस तरह से बंद कर दें। ये देखिए बंद हो गया, तीनों तरफ से मैंने झोल बंद कर दिया, तो इसकी जो नीचे की तरफ इसका झोल आ रहा था वो मैंने इस तरह से बंद कर दिया। आप इस झोल को जहाँ पर ज़्यादा हो थोड़ी सी ग्लू लगा कर इसे दबा कर बंद कर दें इस तरह से। तो देखिए ये कितनी सुंदर इसकी आई है, आप देख सकते हैं ये कितनी प्यारी आई है इसकी। ये इसी तरह से मैं एक बार नीचे भी लगाऊंगी। इस तरह से पकड़ के हमने इसको नीचे उल्टा करके लगाया और यहाँ पर पहले इसका किनारा एक बंद करेंगे। यहाँ पर ग्लू लगाकर मैंने इसका किनारा बंद कर दिया। देखिए इस तरह से आप बंद कर दें। अब फिर इसको फिक्स करते हुए आप पूरी गोलाई में घुमाते हुए इसके ऊपर ले आएं इस तरह से, और यहाँ ग्लू लगाकर इसे बंद कर दें इस तरह से, बंद कर दें। और जब इसका झोल है, जो इसका झोल है, इसके झोल को हम दो तरफ से पकड़ के इस तरह से इसके झोल को बंद कर देंगे। इसका जो झोल आ रहा है नीचे, ग्लू लगाएंगे, इसको ग्लू से इस तरह से बंद करते हुए झोल को पकड़ के यहाँ पर ग्लू लगाएंगे, लेस के ऊपर ग्लू लगाकर इसके झोल को बंद कर देंगे। आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई और ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं जिससे आपके हाथ में ग्लू ना लगे गरम गरम। ये मैंने एक तरफ से बंद करा है, अब एक तरफ से और बंद करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये गोलाई में नीचे की तरफ लैस ज़्यादा है और उसका नीचे का सरफेस कम है। तो ये देखिए मैंने इसको यूँ पकड़ते हुए इसके झोल को इस तरह से बंद कर दिया। आप भी इसी तरह से करेंगे, इसके झोल को, जो झोल आ रहा है इसको नीचे से ग्लू लगाकर जहाँ पर भी आपको लगे थोड़ा झोल है वहाँ पर थोड़ी सी ग्लू लगाकर आप उसे बंद कर सकते हैं इस तरह से। तो देखिए ये दो तरफ लग गया, तो आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, आप देखिए। अब हम इसके बीच में शीशे लगा सकते हैं। इस तरह से शीशे लेकर आप ग्लू से इस तरह से थोड़ी दूर दूर आप शीशे लगा सकते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आप शीशे लगाते जाए। जो आपने ये जो लैस लगाई है इसको आप पूरी तरह से अच्छी तरह से फिक्स कर लीजिएगा। मैंने सिर्फ आपको मेथड बता दिया, तो मैंने ऐसे कच्चा सा बनाया है, आप उसको अच्छी तरह से पक्का कर लीजिएगा। इस तरह से आप ये लगाते जाए। आपने वो लगाते जाना है ग्लू और उसमें शीशे रखते जाना है इस तरह से, और ये जल्दी से लग जाते हैं ऐसा, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, पर लगते बहुत सुंदर है। देखिए इस तरह से बहुत सुंदर लगते हैं। बीच में थोड़ी सी जगह बची है, यहाँ पर भी एक शीशा लगा दें इस तरह से।
तो ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर बना है, ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर बना है। आप चाहे तो यहाँ ऊपर भी शीशे लगा दें, पर ऊपर बार बार हम जैसे पानी दें कुछ करें तो हमें वो उतना सूट नहीं करता। तो इस तरह से आप भी लेस लगाकर और मिरर से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर बना है। तो आप भी कोशिश करिएगा इसी तरह से लेस लगाकर मिरर लगाकर इसको डेकोरेट करके डिफरेंट बनाइए। गुड लक।